हे गाइस, आप सभी का स्वागत है स्क्राइम गेमिंग के एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो पबजी में हाल ही में ऐड हुई है। और मेरे पास तुम लोगों के लिए एक ऐसी न्यूज़ है जिसे सुनकर तुम लोग उछलोगे, कूदोगे, तरदे, डिस्को करोगे। लेकिन इस सबसे पहले वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबा के ठोको, इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त का शेयर करो। और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे इस गरीब से चैनल स्क्राइम गेमिंग को सब्सक्राइब कर बगल वाला घंटा भी दबा देना ताकि तुम लोग कोई वीडियो मिस ना कर जाओ। और ये सारी चिकनी चुपड़ी बातें बाजू में रख, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि पबजी में हाल ही में बहुत सारे अपडेट्स ऐड होने वाले हैं, जैसे कि हमारी आर्मर डिवाइस को रिप्लेस करती BRDM2 व्हीकल, नए नवेली पिस्टल डेजर्ट ईगल, लेज ग्रैपिंग मूवमेंट और हमारा प्यारा एरेंजल 2.0 का अपडेट। लेकिन अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि ये सारे अपडेट्स कौन ला रहा है तो तुम लोग नेचुरली कहोगे कि हमारे फ्रेंडली नेबरहुड पबजी के रचयिता ब्रेंडन ग्रीन। तो मैं कहूंगा गाइस नहीं, ये ब्रेंडन ग्रीन नहीं ला रहे, क्योंकि यहाँ पर पाजा पूरा पलट चुका है। सो गाइज, मैं तुम लोगों को बता दूं कि ब्रेंडन ग्रीन ने पबजी कॉर्प छोड़ दिया है और वो अपनी अलग टीम बनाकर पबजी सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम करना चालू कर दिए हैं। इसलिए पबजी कॉर्प की कमान संभालने उन्होंने अपॉइंट किया है ग्लेन स्कोफील्ड को। अब मैं तुम लोगों को इस बंदे का एक हल्का सा बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि तुम लोगों को अंदाज़ा आ जाए कि पबजी की कमान अब किस प्रकार के इंसान के हाथ में है। तो ग्लेन स्कोफील्ड एक गेम क्रिएटर है और उन्हें बहुत सारे नामचीन गेमिंग टाइटल्स को अपने मुकाम पर पहुंचा है। उनमें से कुछ के नाम लूंगा मैं, जो है डेड स्पेस 2, कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर। तो अब तुम समझ ही गए होगे कि ये बंदा किस लेवल का है। सो गाइस, दो दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि ग्लेन स्कोफील्ड को पबजी कॉर्प का CEO बना दिया गया है। और भाई, इस बंदे ने पूरी काया पलट कर रखी है। जब तक ब्रेंडन ग्रीन पबजी कॉर्प के CEO थे, तब तक उन्होंने पबजी को एक बैटल रॉयल गेम तक ही सीमित रखने का सोचा था। उन्होंने सोचा था कि ये सिर्फ बैटल रॉयल गेम ही रहेगा, इसमें 100 लोग आएंगे, कूदेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, लास्ट मैन स्टैंडिंग रहेगा, जी विनर विनर चिकन डिनर। लेकिन जब से ग्लेन स्कोफील्ड आया है, उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं इसे और आगे ले जाऊंगा। और उन्होंने एक नया स्टूडियोज खोल रखा है जिसका नाम है स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, जहां पर वो डेवलप कर रहे हैं पबजी का स्टोरी बेस्ड गेमिंग मोड। गाइज, मतलब जिस तरह से हम लोग मिशन गेमिंग मोड्स खेलते हैं, एक नरेटिव बेस्ड स्टोरी मोड गेम रहता है, उस तरह से पबजी लोर को फॉलो करता हुआ एक अलग से पूरा अलग गेम पबजी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए पबजी का एक स्टोरी बेस्ड गेमिंग मोड देखने को मिलेगा हमें फ्यूचर में बाय ग्लेन स्कोफील्ड। भाई साहब, मैं इतना थैंकफुल हूँ इस बंदे के लिए, क्योंकि मैं सही में चाहता था कि पबजी कोई ऐसा गेमिंग मोड बनाए जिसमें हमें पबजी की एक स्टोरी, बैक स्टोरी, इरांचल की बैक स्टोरी, मिरामार की बैक स्टोरी, हर एक चीज़ का एक लोर एक्सप्लोर करने को मिले। और इस बंदे ने भाई सही में भगवान जैसा काम कर दिया है। तो बेसिकली मैं तुम्हें बता दूं कि एक गेमिंग मोड डेवलप कर रहे हैं ग्लेन स्कोफील्ड भाई साहब हमारे, जिसमें हमें शायद मिलिट्री स्क्वाड और रेबल स्क्वाड के बीच का टेंशन देखने को मिलेगा, जो हमें एरेंजल 2.0 में कुछ हिंट्स मिले थे, जैसे कुछ ईस्टर एग्स आए थे एरेंजल 2.0 के अपडेट में। उन ईस्टर एग्स को ध्यान में रखते हुए, मुझे ठीक से पता नहीं, बट एरेंजल का एक स्टोरी मोड या पबजी का एक पूरा स्टोरी मोड हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन अभी अभी चालू हुई है, बहुत अर्ली डेवलपिंग स्टेज में अभी अभी। तो इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही इसकी कोई रिलीज डेट है, ना ही इसका कोई ठोस सबूत है। बट इतना हमें पता है कि ये गेमिंग स्टोरी मोड आ रहा है पबजी में, जो पबजी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करेगा, जो एरेंचल की बैक स्टोरी हमें बताएगा, जो हमें रेबल स्क्वाड की बैक स्टोरी बताएगा। और भाई कतई मज़े आने वाले हैं, कतई जहर लेवल वाला काम किया है इस ग्लेन स्कोफील्ड भाई ने। तो भाई, हैट्स ऑफ टू हिम। और जहाँ पर ब्रेंडन ग्रीन की बात आती है, तो ब्रेंडन ग्रीन भी पबजी सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं अपनी एक अलग सी टीम बनाकर। तो हमें ब्रेंडन ग्रीन तो भाई भगवान है, तो वो तो भाई कुछ ना कुछ बॉम्ब फोड़ेगा ही एंड में। बट ग्लेन स्कोफील्ड ने ये जो काम किया है कि स्टोरी मोड ला रखा है एक पबजी में, तो उसको तो भाई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें काफ़ी एक बढ़िया गेमिंग मोड देखने को मिला जो ग्लेन स्कोफील्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, जो गेमिंग क्रिएटर के बहुत बड़े रचयिता है। तो भाई कतई मज़े आने वाले हैं। और अगर इसके बारे में मुझे और कोई अपडेट मिलता है तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन आज के लिए वीडियो इतना ही। आशा करता हूँ तुम लोग को ये अपडेट सुन के मज़ा आया हो। और तुम लोग एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मुझे बताओ कि तुम लोगों को किस तरह का गेमिंग मोड देखना पसंद होगा कमेंट्स में। क्या तुम लोगों को ये रेबल स्क्वाड और मिलिट्री स्क्वाड के बीच का टेंशन देखने में मज़ा आएगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। और मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्क्राइम आउट।